तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। आप सभी का स्वागत है एसएससी विद महावीर सर के इस वीडियो में। हम बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर। एक नई वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और आवेदन ही नहीं, इसके अंदर आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। पे लेवल इसके अंदर आपको अच्छा मिलने वाला है। क्या योग्यता रहेगी, कितनी पोस्ट है, एज और एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो सेशन में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लाइक का बटन जरूर दबाइए। चलिए यहां पर देखिए, आपके सामने एक नोटिफिकेशन दिख रहा है। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या बताया गया है कि जो आपकी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, इस पोस्ट में टोटल 759 पद है, यानी 759 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो बात होगी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करें कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस इसमें आपका एक तो एग्जाम होगा, एक इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि पोस्ट आपको पता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है। तो देखिए इसमें क्या क्या रहने वाला है। जो एग्जाम होगा, एग्जाम आपका 5 पार्ट में है। पहला जो पार्ट है, इस पार्ट में रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और इसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज है और 15-15 सवाल, 15-15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल आप देख सकते हैं 30 यहाँ पे क्वेश्चन है और 30 यहाँ पे मार्क्स है। इसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का ये रहेगा। पिछले वीडियो सेशन में मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर इसके अंदर सिलेक्शन वाला फैक्टर रहेगा, इसकी अच्छी तैयारी आप जरूर कर लेना। और इसके लिए मैंने आपको एक बुक भी प्रेफर करी थी कंप्यूटर ज्ञान कोर्स के नाम से, योर एग्जाम हेल्पर की अच्छी ई बुक है, आप वो लेकर तैयारी कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा या आप सीधा गूगल पे सर्च करके भी ले सकते हो। टोटल यहाँ पे 130 मार्क्स रहेंगे, 130 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे टाइम आपको मिलेगा 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न मुझे ठीक लगा और उम्मीद करता हूं आप सब आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना, 0.25 मार्क्स की क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया है। अब बात करते हैं किसकी क्वालिफिकेशन की। देखिए क्वालिफिकेशन की यहां पर बात करी गई है, सभी कैटेगरीज के लिए क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास रखी गई है। अगर 12वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। देखो यहाँ पे और लिखा है, या तो आप हिंदी में करोगे या आप इंग्लिश में करोगे, दोनों में से एक लैंग्वेज में आपको क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट पास करना है, ठीक है। एज की बात करें तो यहाँ पे एज में आपको बता दूं, दिया गया है कि आपकी जो एज है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम आपकी एज 18 वर्ष होना जरूरी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2023 रहने वाली है। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और EMRS यानी एकलव्य जो रेजिडेंशियल स्कूल है उसकी ये वैकेंसी है और पे लेवल इसके अंदर आपको ठीक मिलेगा। सैलरी लगभग आपकी जो है 28-30 हजार के आसपास लगते ही शुरू होने वाली है। तो EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो पेपर इसका होगा वो OMR बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन इसका आपका पेपर होने वाला है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब डिटेल सिलेबस पे डिस्कशन हम अगले वीडियो सेशन में करेंगे और बाकी भर्तियों की जानकारी पाने के लिए आप सबको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नए हैं तो, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, कहीं पर चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।